रूसो 1778 में फोत हुआ। इनकलाब फ्रांस का आगाज उसकी मौत के 11 साल बाद हुआ। इनकलाब फ्रांस के लिए फजा तैयार करने का अगर किसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो वो रूसो है। फ्रांस के बादशाह ने तो रो रो कर ये बात कही थी कि इस इनकलाब के जिम्मेदार दो ही आदमी हैं, वोल्टेयर और दूसरा रूसो। ये रूसो की तहरीरें ही थी जिन्होंने गरीब आवाम के लिए हुकूक मांगे, रियासत के हर शहरी के लिए आज़ादी और बराबरी का दर्जा तलब किया, जिसने जदीद तालीमी निज़ाम का तसव्वुर पेश किया और माशरती बुराइयों की निशानदेही की। उसकी तहरीरों ने न सिर्फ अपने हम असरों को मुतासिर किया बल्कि आने वाली नस्लों को भी रहनुमाई फराहम की। वोल्टेयर अगरचे उसके नज़रियात सख्त थे मगर वो रूसो की अजमत का मोतरफ था। जान जाक रूसो जिनेवा के एक घड़ी साज के घर में 28 जून 1712 में पैदा हुआ। माँ सोजियन बर्नार्ड एक पादरी की बेटी थी। बाप आइजक रूसो घड़ी साजों के खानदान से ताल्लुक रखता था। घड़ी साजी के साथ साथ वो लोगों को रक्स सिखाकर घर चलाता था। रूसो उसका दूसरा बेटा था। रूसो पैदा हुआ तो 9 दिन बाद उसकी माँ मर गई। रूसो अपनी सवाने उम्री एतराफात में लिखता है, माई बर्थ वाज माई फर्स्ट मिसफॉर्चून। वाकई उसकी पैदाइश उसकी पहली बदनसीबी थी और फिर ये बदनसीबियाँ आहिस्ता आहिस्ता ढेरों के हिसाब से उसे मिलती रहीं। बचपन के इब्तदाई 9-10 साल उसने बाप के पहलू में गुजारे। बाप घड़ियों की सुइयां दुरुस्त करता रहता था और रूसो उसे किताबें पढ़कर सुनाता रहता था। आइजक अपनी बीवी के गम को भुलाने की कोशिश करता था और बेटा मुताले की आबियारी करता रहता था। किताबों के साथ उसका रिश्ता मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा था। वो अपनी किताब एतराफात में उन लम्हात के बारे में बड़ा जज्बाती होकर लिखता है, हर रात खाने के बाद मैं और मेरा वालिद वो रोमानवी किताबें पढ़ते थे जो मेरी माँ के जेरे मुतालिया थी। रात गुजरती रहती, हम पढ़ते रहते। कभी कभार तो सुबह चिड़ियों के चहचहाने पर मेरे वालिद शर्मिंदा होकर कहते, चलो अब सो जाएं, मैं भी तुम्हारे साथ बच्चा बन गया हूँ। कभी कभी उसका बाप रूसो का हाथ पकड़कर कहता, चलो तुम्हारी वालदा के बारे में बातें करते हैं। रूसो मासूमियत से जवाब देता, जानते हैं कि फिर हम रो पड़ेंगे। और फिर वालिद रोने लगता। रूसो की सवाने उम्री एतराफात का शुमार दुनिया की बेहतरीन और मकबूल सवाने उम्रियों में होता है। रूसो की फिक्र हालात और फ्रांस के माहौल को समझने के लिए ये किताब एक सनद की हैसियत रखती है। एतराफात पढ़े बगैर रूसो की जिंदगी, बचपन, जवानी, अदात व खसाइल, पेरिस का समाजी माहौल, बदलती हुई अकदार, हम असरों की चश्मक, सियासी, समाजी, अदबी तब्दीलियों को समझना बहुत मुश्किल है। रूसो की बदलती हुई फिक्र, उसकी तख्लीकी जिंदगी के नशीब फराज, उसके पसे मंजर मुखालिफीन, हमदर्द दोस्तों की हमदर्दियाँ, उसकी अपनी नफसियात, दोस्तों के साथ उसका बदलता हुआ रवैया, ये सब कुछ इस किताब में मौजूद है। रूसो ने अगरचे जमकर कहीं कयाम नहीं किया, घाट घाट का पानी पिया, चंद साल यहाँ चंद साल वहाँ पड़ाव डाला, लेकिन उसकी तख्लीकी जिंदगी का अमल जारी रहा। उसने बहुत काम किया और उसके काम ने कई ट्रेंड सेट किए। उसने सवाने उम्री लिखी। इसके अलावा मुंदरजा ज़ेल तख्लीकात भी मिसाली हैं, मसलन मुहायदा इमरानी, इंसाइक्लोपीडिया, साइंस और आर्ट की मुखालफत में मकाला, इंसानी ऊंच नीच का मंबा और इसके असबाब, नावल्स में ज़ोली और एमल वगैरह। मुहायदा इमरानी इस तारीखी जुमले से शुरू होता है जो ज़र्बुल मिस्ल बलकर दुनिया में चारों तरफ फैल गया और गुलामी के अंधेरों में आज़ादी की चिंगारियां उड़ने लगी। जुमला ये था, इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, जिधर देखो वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो अफलातून से बहुत मुतासिर था। उसने उसके नक्शे कदम पर चलकर उस जैसी एक मिसाली रियासत बनाने की कोशिश की। अखलाक इंसान की फितरी हैसियत और आज़ादी को बुनियाद बनाकर एक नए मुआशरे की बुनियाद रखता है। एक ऐसा मुआशरा जिसमें तालीम वतन से प्यार सिखाती है और ऐसे खेल तमाशे जो शहरियों के जिस्मानी हालत को दुरुस्त रखते हैं। रूसो की जो दो किताबें दुनिया की अहम तरीन तस्वुर की जाती हैं उनमें एक मुहायदा इमरानी है और दूसरी किताब नजरिया तालीम पर उसका नावल एमएल ऑन एजुकेशन, बच्चे की तालीम और तरबियत पर लिखी हुई किताब रूसो के नज़रियात की मुकम्मल अक्कासी करती है। रूसो का कहना है कि बच्चा अपने तजुर्बे से सीखता है, मार पीट से उसकी तरबियत मुकम्मल नहीं होती। रूसो का नज़रिया है कि बच्चा अच्छाई और बुराई अपने तजुर्बे से हासिल करता है। उसने बचपन को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया। 12 साल की उम्र तक बच्चा अपने जज्बात से सीखता है। 12 से 16 साल की उम्र तक दलायल और इदराक के हथियार उसके पास आ जाते हैं। 16 साल के बाद उसे किसी हुनर में मशक हासिल करनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में वो अपनी जिंदगी में सहूलतें पैदा कर सके। एमएल लिखना रूसो की देरीना ख्वाहिश थी। उसे सारी जिंदगी अफसोस रहा कि वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो नहीं दे सका। रूसो इस बात पर जोर देता है कि हमें बच्चे की जहनीत को समझना चाहिए। उनका देखने, सोचने और बोलने का अंदाज अपना होता है। हमें अपनी जहनीत को उन पर थोपना नहीं चाहिए। वो इस अमल को बड़ों की बेवकूफ़ी करार देता है।
20 मई 1778 को रूसो जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो रूसो की मौत भी एक मुअम्मा बन गई। वो शहर से वापस आया, सर में दर्द हुआ, शरियान फटी और मर गया। कुछ लोगों का ख्याल है कि जहनी दबाव की वजह से उसने खुदकुशी की, क्योंकि आखिरी दिनों में उसके हालात अच्छे नहीं थे। उसकी वफात के बाद फ्रांस की हुकूमत ने उसकी बीवी को 1200 फ्रैंक का वजीफा दिया। रूसो का मुजस्मा शहर में लगाया गया। सब ने उसकी बहुत इज्जत की। रूसो के काम पर बड़ी तनकीद हुई। उसे वॉल्टेयर जैसा तेज फिक्रेबाज हम असर मिला, जिसने रूसो के फलसफे और मकालात का मजाक तक उड़ाया। दुश्मनों की साजिशों और वॉल्टेयर की तनकीद के बावजूद रूसो की तहरीरों ने पूरे यूरोप और मगरिब और फिर सारी दुनिया में तहलका मचा दिया और ख्यालात में एक तब्दीली आ गई। वो रोशन जमीरी की अलामत बनकर उभरा। शैले, ईट्स, बायरन और कॉलरिज उसकी रोमानवियत से मुतासिर हुए। गोटे ने उसका असर कबूल किया। विक्टर होगे ने उसकी अजमत को तस्लीम किया। हॉब्स और जॉन लॉक ने इसके नजरियात की हिमायत की।